सो हे गाइस, दिस इज अनुजोफी। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सैनोक का सोलो गेम प्ले। और गाइस, इसमें भाई मैं जाऊंगा बूट कैंप क्लियर करूंगा, उसके बाद और केस निकालूंगा। भाई मज़ा आ जाएगा ये वाले गेम प्ले में। सो गाइस, वीडियो पूरा देखना। और गाइस, अगर आपको मेरे रैंक पुशिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो गाइस लास्ट वाले वीडियो चेकआउट करना। अगर किसी ने मिस कर दी हो तो गाइस लास्ट वीडियो चेकआउट करना, चैनल पर जाओ, वीडियोज़ पर जाओ और कल की वीडियो देखो। गाइस, उसमें बहुत सारी टिप्स आपको दी है जो कि आपको सीज़न 14 में बहुत काम में आएगी। और अगर उसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो गाइज कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। ठीक है, तो गाइज़ अभी के लिए हम लोग फाइनली अपने गेम प्ले पे बढ़ते हैं। तो गाइज मैं जा रहा था बूट कैंप पे, अभी सोचा कि भाई लेफ़्ट साइड ले लूँगा, डायरेक्टली बिल्डिंग पे जाऊँगा तो भाई टारगेट हो जाऊँगा वहाँ पे, इसलिए मैं लेफ्ट साइड गया। और यहाँ पे गाइज बहुत से निहत्ते, मतलब कि भाई जिनके पास गन ही नहीं थी उन लोगों को मारूँगा गाइज मैं। बट गाइज कुछ रिस्क नहीं उठा सकता तो इसलिए मैंने सबको मार दिया। यहाँ पे एक बंदा कूद रहा था, देखो आप, तो गाइज़ यहाँ पे फाइनली बूट कैंप में थोड़ी गोलीबारी कम हो रही थी। और अभी गाइज़ यहाँ पे मुझे सामने से आ रहे थे फुट स्टेप और एक बंदा आएगा गाइज़, देखो। तो गाइज़ यहाँ पे मेरा एमो ख़त्म हो गया, तो पहले मैंने लूट वगैरह कर ली। और यहाँ पे गाइज़ एक और बॉट आ जाता है, और जो बंदे मुझे मेरे ऊपर फायर लिया था, जिस बंदे ने दूर से मेरे ऊपर फायर लिया था, वो बंदा मुझे दिखाई नहीं दिया बाद में। तो गाइज़ कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि क्या आपको और बूट कैंप वाले गेम प्ले जैसे सैनोक के गेम प्ले चाहिए, ऐसे फुल रश गेम प्ले एकदम। गाइस कल मैंने इरेंगल भी ट्राई किया, वहाँ पे भी मैंने हॉट ड्रॉप्स किए, पोचिंग के में उतरा था, बट गाइस बंदे हार्ड टीपी भी ले रहे थे, बंदे पोजीशन नहीं छोड़ रहे थे और गाइस कैंपिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे बहुत बार मारा गया गाइस। और यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे मुझे वेयर हाउस में एक बंदा स्पॉट हुआ था, उसके फुट से पाए पहले, उसके बाद वो मुझे दिखा भी, वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। तो गाइज़ ये वाला बंदा भी इजीली मारा गया। और उसके बाद गाइज़ मैं इधर उधर देख रहा था, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई फुटस्टेप आया जैसा, इधर उधर मैं देख रहा था, उसके बाद गाइज़ मुझे सच में एक बंदे के फुटस्टेप आ जाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे एक परफेक्ट फ्री फायर और क्राउड शूट दिया और ये बंदा भी इजीली मारा गया। तो गाइज़ अभी बूट कैंप में बस एक बॉट और एक बंदा बचा था, देखो गाइज़ उसमें से उस बंदे को मैं कैसे मारता हूँ, देखो आप।
तो गाइस यहाँ पे इस बंदे को जैसे तैसे मैंने मारा, मेरा भी एम चोक हो गया था और उसका भी एम उतना अच्छा नहीं था, तो ये बंदा फाइनली मारा गया। और गाइस यहाँ पे पूरा बूट कैंप क्लियर हो चुका था और अभी यहाँ से मैं निकलूँगा पैराडाइज की ओर और बंदे ढूंढने। और उधर जाते जाते गाइस मुझे एक बाइक की आवाज़ सुनाई देती है। तो गाइस ये वाला बंदा भी इजीली मारा गया। उसके बाद इसकी बॉडी वगैरह लूटी, इसकी क्रेट वगैरह लूटी मैंने। तो गाइस ये मिक्स लॉबी है, इसमें एंड तक बॉट्स भी मिलेंगे और नूब बंदे भी मिलेंगे, अच्छे बंदे भी मिलेंगे, क्योंकि गाइस अभी कोई रैंक पुशिंग लॉबीज नहीं आ रही है। और इंडिया बोनस चैलेंज खेलने का मैंने सोचा था गाइस, कल आप लोगों ने सजेस्ट किया था मुझे। बट गाइस वहाँ पे कमिंग सून ऑप्शन आया है, मैं खेल नहीं पाया वहाँ पे, तो देखता हूँ गाइस आगे अगर ओपन हो जाए तो मैं खेलूँगा, अभी के लिए तो नहीं, अभी तो क्लासिक गेम प्ले ही खेलना पड़ेगा। इसमें मिक्स लॉबीज आएंगे गाइस, भले मैं अभी कॉन्कर टीयर पे हूँ, अभी तो एस पे आ जाऊँगा क्योंकि मेरा रैंक नीचे गिर गया है। बट गाइस बंदे आ रहे थे, कोई नीचे मतलब लो लीग का आ रहा था, कोई हाई लीग का आ रहा था, मिक्स लॉबी आ रही थी गाइस। तो गाइस यहाँ पे मुझे सामने से गन फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो वहाँ पे मैं देखने लगा और मुझे वो एक बंदा भी स्पॉट होता है। तो गाइस ये वाला बंदा भी इजीली मारा गया, अगर ये बंदा एंड में प्रोन होता तो शायद से बच जाता था, बट इसको भी हमने मार दिया। उसके बाद गाइस यहाँ पे मुझे लग रहा था कि भाई मैं तो अभी एक्सपोज हो चुका हूँ क्योंकि मैंने फायरिंग दी है, सबका ध्यान मेरी तरफ रहेगा। बट गाइस सब बंदे क्या कर रहे थे, लेफ्ट साइड से मुझे फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है। तो देखो गाइस आगे क्या होता है। तो गाइस ये वाला बंदा अच्छा था, इसने मेरे ऊपर अच्छा बैक फायर दिया था, बट गाइस इसने मेरे को स्पॉट नहीं किया और मैंने इसको इजीली मार दिया। तो गाइस यहाँ पे देखो आप, वो बंदा तो अच्छा था बट यहाँ पे ये वाला बंदा देखो गाइस। तो गाइज़ ये वाले बंदे के लिए थोड़ा बुरा लगा, बट गाइज ये बंदे भी सीख जाएंगे, ऐसे ही सीख जाएंगे वो लोग, वो भी एक दिन अच्छे प्लेयर बन जाएंगे। तो गाइज़ अभी बस 1v1 का सिचुएशन था और बंदे की लोकेशन मुझे कुछ भी पता नहीं थी और इवन मुझे जोन में भी जाना था। और गाइज़ ये वाला बंदा देखो आप, ये वाला बंदा अच्छा था, इसका गेम प्ले अच्छा था, इसको हम कैसे मारते हैं देखो गाइज। तो गाइज़ पहले तो मैंने फुल बूस्ट वगैरह कर लिया, गन रिलोड वगैरह कर ली और स्मोक्स के थ्रू मैं आगे बढ़ रहा था। तो गाइज़ यहाँ पे मैं देख रहा था कि बंदा है कहाँ पे, इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था, मुझे लग रहा था कि आगे वाला जो पत्थर है वहाँ पे हो सकता है, मे बी उसके पीछे हो सकता है, मेरा ध्यान मोस्टली वहीं पे था। बट गाइज़ वहाँ पे वो बंदा नहीं था, वो दूसरी जगह पे था। तो यहाँ पे नेट थे मेरे पास तो ऐसे ही मैंने यूज़ कर लिया। उसके बाद मैं देख रहा था स्कोप खोल के कि कहाँ पे हो सकता है वो।
तो गाइस यहाँ पे मैं जैसे अभी आगे बढ़ूंगा तो वैसे मुझे एकदम से फुटस्टेप आते हैं और देखो गाइस कैसे फाइट होती है। तो गाइस जहाँ से एकदम से मुझे फुटस्टेप आए वहाँ पे मैंने स्कोप खोला और बंदा इजीली मारा गया। तो गाइस ये वाला चिकन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और गाइस और ऐसे गेम प्ले चाहिए तो वो भी गाइस ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो, और गाइस आप देख सकते हो मेरा रैंक था कल 2700 क्योंकि बहुत माइनस करा लिया गाइस मैंने, और आज मैं एस में आ गया होगा अभी तक। तो गाइस अगर आपने सोलो रैंक पुशिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो नहीं देखी हो तो गाइस मैं आपको एंड में प्रोवाइड कर दूंगा, वो ज़रूर चेकआउट करना गाइस। और गाइस आज भी कोई ब्लूपर्स नहीं है वीडियो के एंड में, क्योंकि अगर वो नेचुरली बन जाए गाइस तो ही मज़ा आता है, इसलिए आज भी कोई ब्लूपर नहीं बन पाए, जब बनेंगे तब मैं ऐड कर दूंगा गाइस। और गाइस इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो गाइस इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो गाइस। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home.